देख रहे हैं केवल सच। लोकसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार एनडीए और महागठबंधन के नेताओं से दो टूक कहा है कि जो निषाद को आरक्षण देने का काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे। चुनाव में सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए निषाद का आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं और मेरी पार्टी इससे समझौता नहीं करेगी। संघर्ष कर नाम कमाया है, विरासत में नाम नहीं मिला है। सहनी ने अपनी और अपनी पार्टी के नाम को हासिल करने के लिए अपने साथियों के साथ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया है। इसका उद्देश्य केवल यही था कि निषाद समाज के आरक्षण मिले। देश के कई दूसरे राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो वह आरक्षण बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है, तब जबकि देश एक ही और संविधान एक ही है। अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज में लगा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि 2018 में हमने पार्टी बनाया, उसके बाद से कई चुनाव लड़ा, पूरे बिहार में मेहनत कर हमने अपना एक दुनिया और पहचान बनाया है। उद्देश्य यही है कि समाज का भला हो। मैंने अपने कमाई का बड़ा हिस्सा केवल समाज के भलाई के लिए लगा दिया है।